Hey, what's up viewers? Welcome back to another video for our YouTube channel. तो guys, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे. और आपके लिए मैं ये लाइट्स लेकर आया हूँ. और आज इस वीडियो में इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और इसे किस तरीके से अपनी साइकिल में फिट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज़, ये है वो लाइट. इसे मैंने कहीं से भी नहीं मंगाया है, इसे मैंने डायरेक्ट खरीद लिया है मार्केट में से. और ये मुझे साइकिल की शॉप पे आराम से मिल गई थी, तो इसे मैंने बाय कर लिया. ये मुझे उसने 50 रुपीज़ का दिया है. तो गाइज़, इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से की गई है. और इसके साथ दो लाइट्स हैं और दो होल्डर, जिनकी मदद से हम इसे साइकिल के बाल के ऊपर लगा सकते हैं और बाइक के बाल के ऊपर भी लगा सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ में लग जाएगी, बाइक में भी और साइकिल में भी. तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे से इसे बाय कर सकते हो. बस आपको नीचे लिंक में क्लिक करना है और बाय कर लेना है अगर आपको ये पसंद आई तो. तो गाइज़, ये है लाइट. और तो गाइज़, ये कुछ इस तरीके से दिखती है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है. जो ये वाला पार्ट है ये मेटल का नहीं है, सिर्फ इस पर पॉलिश की गई है. और अभी ये काम नहीं कर रही है, अभी इसके अंदर से हम सेल देखेंगे किस तरीके से लगे हुए हैं और ये क्यों नहीं काम कर रही है. तो देखिए, यहाँ पे एक पेपर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये लाइट नहीं जल रही है. तो अभी हम इस पेपर को हटा देंगे और इसके अंदर के सेल बाहर निकाल लेंगे, एक बार देखेंगे किस तरीके के सेल है. तो इसके अंदर 3 बटन सेल लगे हुए हैं 1.5 वोल्ट के. तो गाइज, अभी इसे पूरी तरह से ओपन कर लेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं जिस और किस तरीके से काम करता है. तो ये इसका बैटरी का पॉजिटिव वायर है जो एक स्प्रिंग पे लगा हुआ है. और ये इसका ग्लास का वो है जिससे इसकी रोशनी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए. और ये इसके अंदर छोटी सी LED लगी हुई है जिससे ये ज़्यादा दिन तक चले और बैटरी लाइफ इंक्रीज हो जाए. तो अभी इसकी बॉडी में से लाइट को निकाल लेंगे और देखेंगे इसके अंदर कौन सा सेंसर लगा हुआ है और किस तरीके से वो सेंसर काम करता है. तो ये है लाइट और ये वाइट कलर का है, ये सेंसर है इसका. तो इसके अंदर 2 वायर्स है, एक स्प्रिंग है और बीच में एक रोड डाली हुई है बहुत ही बारीक. और जैसे ही वो रोड इस स्प्रिंग से, यानी ये स्प्रिंग जो है वो रोड से टच हो जाता है जब थोड़ा सा हिलता है, और जो है लाइट के तार जो है कंप्लीट हो जाते हैं बैटरी के साथ और लाइट जल जाती है. तो इस तरीके से काम करता है. अभी इसे पहले की तरह बंद कर देते हैं. और इसके अंदर हम सेल लगाएंगे, तो जो इसका पॉजिटिव है वो नीचे की साइड रखना है और नेगेटिव ऊपर की साइड. तो इस तरीके से सेल डालने हैं हमें और फिर इसे क्लोज कर देना है. और देखिए, जैसे ही मैंने क्लोज किया ये लाइट जलने लग गई. तो ये थोड़ी सी वाइब्रेशन से ही चलने लग जाती है. और ये इसका होल्डर है जिससे आप साइकिल में और बाइक में इसे फिट कर सकते हैं. तो अभी इसे लगा देते हैं इसके ऊपर, नहीं तो ये खो जाएगा कहीं. तो देखिए, इस तरीके से लाइट जलती है जब इसमें वाइब्रेशन होती है, फिर मोशन होती है. तो इस तरीके से लाइट जलेगी जब ये मोशन में होगी. A few moments later. तो ये है हमारी दोनों लाइट्स और अभी हम इसे अपनी साइकिल में लगाएंगे. तो जल्दी से हम इन लाइट्स को अपनी साइकिल में फिट करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से जलती है साइकिल में लगने के बाद. तो गाइज, ये है हमारी साइकिल और इस साइकिल में हम फिट करेंगे इन लाइट्स को. तो अभी सबसे पहले हम इसके फ्रंट वाले व्हील में लगाने वाले हैं लाइट. तो इसके ऊपर की ये कैप हटा देते हैं सबसे पहले. और इसका जो वाल है मेरी साइकिल का, ये है बाइक जैसा. तो अभी मुझे वो होल्डर हटाना पड़ेगा और फिर इसे लगाना पड़ेगा. जिसका होल्डर साइकिल जैसा है, मतलब वो इस ब्लैक वाले होल्डर को लगा सकता है, उसकी साइकिल में फिट हो जाएगा.
तो फ्रंट वाला हमने लगा दिया है और अभी हम इसे दूसरी वाली को बैक में लगाएंगे। तो इस वाली लाइट को हमने पीछे लगा दिया है। और बस हमने इसे लगा दिया है, अब इसे ऑन ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ऑन हो जाएगी और अपने आप ऑफ हो जाएगी। जब भी हम साइकिल चलाएंगे अपने आप ऑन हो जाएगी और साइकिल के रुकते ही अब भी अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ब्राइट तो बहुत ज़्यादा है, ये तो रात को ही आपको पता चलेगा। तो गाइज अभी रात हो चुकी है और इसे हम टेस्ट कर रहे हैं कि रात को कैसी लगती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से लाइट दिखती है रात को और जितनी ज़्यादा तेज चलाओगे उतनी ज़्यादा ब्राइट होगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ में आपको बेल आइकन भी दबाना है जिससे आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। टिल देन गुड बाय एंड सी यू लेटर।